हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जो आप लोग मुझे अपना रेस्पॉन्स दे रहे हैं मेरे वीडियो देखकर, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने सभी जो हमारे पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो है इन वीडियो से थोड़ा सा आपको हेल्प मिल पा रही है। ठीक है, आप लोग इन्हें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, बात यह है कि अब मैं जो आपको दे रहा हूँ, एक अभी मैंने पॉलिटी के आपको 100 क्वेश्चन दे दिए हैं, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये है एक पॉलिटी का पावर पैक। इसके अंदर मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जिसमें इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं संविधान के, क्योंकि देखिए राज्यसभा का पेपर है, तो राज्यसभा के एग्जाम के अंदर पॉलिटी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से ही मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर से भी आपको अच्छे मिलेंगे, जैसे कि 15 से 20 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर मैंने आपको अप्रैल तक दे दिए हैं, मई और जून के रह गए हैं। जैसे कि पहले मैंने भी आपका अप्रैल का देखा होगा, उसमें मैंने देखा है कि कई हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे कई मित्र हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि सर, जो आप ऑनलाइन जो तरीका बता रहे थे लिखकर, वो ज्यादा बेहतर है वनस्पत इसके कि आपने जो क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्योंकि बताया मुझे ये गया है कि जब आप ऑनलाइन लिखते हैं तो आप बोलते हैं और फिर उसे लिखते हैं, तो हमारी मेमोरी में थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है। तो ये जो 2 महीने के हैं, ये मैं आपको उसी तरीके से करंट अफेयर दूंगा जैसे कि आपको पहले के मिले थे। ठीक है, वो हमारे एक सब्सक्राइबर थे शोभा प्रिया जी, उन्होंने कहा था उस तरीके से दीजिए, मैंने वो भी ट्राई किया। तो शोभा जी, मैं आपसे सॉरी बोलूंगा, ये वाला तो मैंने आपको दे दिया, मगर क्योंकि ज्यादातर सब्सक्राइबर मुझसे कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन देना चाहिए, तो अब मैं ऑनलाइन दूंगा। और फिर उसके बाद जैसे ये राज्यसभा का एग्जाम हो जाएगा, फिर आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दी है इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं कहूंगा आपसे, एज ए मित्र, आपके दोस्त होने के नाते, कि अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं या कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या कोई भी चीज है, तो सबसे पहले जो है आपको अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो फेलियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कई बार हम लोग को क्या होता है कि फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो जो फेलियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जो जिम्मेदारी है, वो हमेशा हम क्या करते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि जब मेरा एग्जाम आने वाला था तो लास्ट में मेरी तबीयत खराब हो गई, या फिर हमारे घर पे किसी की हो गई, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है उस पर डाल देंगे, यार वो मुझे पढ़ने नहीं देता, यार जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरा दोस्त आ जाता है, या फिर हम भगवान पर डाल देते हैं कुछ नहीं। तो मतलब ये सब चलता रहता है कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालते हैं कि नहीं भाई मेरा इस वजह से नहीं हुआ, अपने आप को हम बिल्कुल प्योर कर देते हैं कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, है ना। मगर अगर आप सच में आप थोड़ा सा सीरियस हैं और पढ़ाई मतलब कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला स्टेप यही लेना है कि जो भी आपकी लाइफ के जो अचीवमेंट हैं, क्योंकि देखिए अचीवमेंट में तो हम अपने बढ़ चढ़ कर अपने ऊपर लेते हैं कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ, मगर फेलियर तो नहीं लेते। तो आपको करना यह है कि जो आपके फेलियर्स हैं, अगर आपकी आप उसकी जिम्मेदारी आज से ही लेना स्टार्ट कर देंगे, तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि अगले दिन से ही आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा और आप सफलता की एक सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, आप ये पहचान लें कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, मगर मैं इसे सुधारने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो जो भी अलग अलग तरीके से गलतियां होती रहती हैं, कभी हमारा सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाता, कभी कुछ भी हो सकता है, देखिए, मगर उसके जिम्मेदार आप ही तो हैं, कोई और कोई है, आप ही डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो मुझे लगता था कि आपको बताना चाहिए वो मैंने बताया। अब हम अपने पॉलिटी वाले भाग पर वापस आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी के लिए इसे मैं मिटा देता हूं, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं संविधान के, जिसे हम बोलते हैं भाग, हिंदी में भाग और इंग्लिश में बोला जाता है चैप्टर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं जो हमारे भाग हैं, आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए, आपको पहला भाग जो है वो है हमारा संघ एवं इसके राज्य, एवं उसके राज्य। तो ये जो है ये आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आर्टिकल 3 जो है वो किस भाग में है, वो तो भाग 1 में है। भाग 2 जो है हमारा वो है नागरिकता का, जिसे कहते हैं हम सिटीजनशिप। नागरिकता जो है वो है 5 से लेकर 12। ठीक है, अब जैसे कि आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपके पास आर्टिकल 8 के बारे में पूछा गया है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, तो ये सेंस तो जरूर लगेगा कि वहां नागरिकता से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, उसके अलावा भाग 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मगर आपको जरूर पढ़ना है, मूल अधिकार, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, मगर आप फिर भी जो फंडामेंटल राइट है वो अच्छे से पढ़ के जाइए। ये है 12 से लेकर 35 तक। हाँ, एक चीज मुझे याद आई, देखिए कभी कभी वीडियोस में क्या होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, मैं भी एक इंसान हूं, तो जो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे सुधारते रहते हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जैसे कि एक गलती ये हुई है कि जो हमारी 108 आर्टिकल है जो पहले बताया गया था, वो ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 123 जो है वह है जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास करता है,
ऑर्डिनेंस है, ठीक है। एक गलती और हुई थी मुझसे, वो था आयुष्मान भारत के बारे में, जब मैं कुछ समझा रहा था उसमें मैंने कुछ शायद गलत, उसमें फैमिलीज के बारे में मैंने गलत बताया था, तो उसमें 50 करोड़, उसमें जो है 10 करोड़ फैमिली कवर हो रही है, और लोग अगर कहा जाएंगे तो वो 50 करोड़ कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो यही अमेंडमेंट था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे, और ऐसी गलती भविष्य में ना हो इसके लिए मैं भी अपने दिमाग में इन सब चीज़ों को याद रखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 भाग तो ये हो गए, इसके अलावा आपको भाग 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4 क्या है? भाग 4 जो है वो है नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। इंग्लिश वाले सब्सक्राइबर से थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा मैं, और मैं बस ये कर सकता हूँ कि इंग्लिश में प्रोनाउंस करता रहूंगा सारी चीज़ें। तो नीति निदेशक तत्व होता है डायरेक्टिव स्टेट ऑफ DPSP, इसे बोला जाता है DPSP, इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये भाग 4 में है। इसके अलावा भाग 4 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4A। 4A के अंदर क्या है? इसके अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे बोलते हैं मूल कर्तव्य, ठीक है। हर किसी को अधिकार होते हैं तो उसके कर्तव्य भी होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी एक सरकारी अफसर होता है उसके पास उसे राइट्स दिए जाते हैं कई तरीके के, मगर राइट्स दिए जाते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हैं, उसके साथ में उसकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं कि आपको ये करना भी है। ऐसा नहीं है कि किसी को सिर्फ कर्तव्य दे दिए जाए और राइट्स, दोनों का समन्वय दिया जाता है। मगर जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में दिए गए। तो ये कर्तव्य कहाँ से दिए गए ये भी पता होना चाहिए, मूल अधिकार कहाँ से मिले, ये मूल कर्तव्य जो है ये है हमारे रूस से, रशिया से लिया गया था, और जो फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका से लिया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मूल कर्तव्य हो गए, उसके अलावा है हमारा भाग 5। भाग 5 में है संघ, यानी कि जो हमारा सेंटर जिसे बोलते हैं वो है, वो 52-151। अगर देख लीजिए, अगर इसके बीच में से कोई भी आर्टिकल आपके पास आता है, पूछा जाता है, तो वो ये याद रखिए वो सेंटर से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड नहीं हो सकता, राज्य से रिलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। और भाग 6 जो है वो राज्य से रिलेटेड है। आपको अगर ये रेंज भी याद रहती है तो भी आप क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली क्रैक कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया। इसके अलावा जो इससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच के मैं थोड़े से स्किप कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वरना फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर पावर पैक का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो 10 है वह है हमारा पंचायत से रिलेटेड, पंचायत, पंचायत से रिलेटेड है भाग 10, ठीक है। उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है वो है आपका भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन, जो आप देखते होंगे इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन जो है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वो निर्वाचन जो है भाग 15 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से कराए जाने हैं। उसके बाद है भाग 17। भाग 17 के अंदर राजभाषा, अभी हम काफ़ी नहीं जानते हैं कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, राज हिंदी जो है वो राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। उसके अलावा इमरजेंसी का जो प्रोविज़न दिया गया है वो दिया गया है भाग 18 के अंदर, जो आपातकाल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपातकाल जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक तो नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ आज तक नहीं लगी है और भविष्य में लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विकराल स्थिति होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो सबसे आखिरी में बताऊँगा वो है भाग 20, वो है संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन किया जाता है समय समय पर, जैसे भी हमें समय की आवश्यकता होती है तो संशोधन होता है। तो ये संविधान संशोधन जो है वो भाग इसमें हो गया, और जो आर्टिकल है वो आपको पता ही होगा 368, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मुझे कुछ पार्ट बताने थे आपको, इसके अलावा मैं कुछ आपको बताऊंगा अब आर्टिकल जो आपको याद होने चाहिए, कम जिसने बिल्कुल नहीं पढ़े कम से कम वो ये तो जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनका रिविजन हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। जैसे मैं बीच बीच में से लूँगा आप इम्पोर्टेंट, इसमें है टचबिलिटी का अंत किया गया था, है ना, जिसे बोलते हैं छुआछूत, है ना, टचबिलिटी की कोई भी इस तरीके की भावना नहीं रखेगा, किसी भी जाति या किसी भी धर्म का नागरिक होता है उससे हमें ये सब नहीं करना है। आर्टिकल नंबर 18 जो है इसने उपाधियों का अंत किया था, जो टाइटल्स मिलते थे पहले राय बहादुर और ये सब, राजा महाराजा, तो ये सब टाइटल खत्म कर दिए गए थे आर्टिकल नंबर 18 के तहत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 जैसे कि वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तभी हम बोल पा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग सुन पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 21 जो है वो ये है कि आपको जीने की स्वतंत्रता मिलती है ना, राइट टू लाइफ एक तरीके से अगर आप कहेंगे,
उसके अलावा जो अगला आर्टिकल है वो है आपका 24। 24 आर्टिकल ये कहता है कि जो भी मतलब छोटे बच्चे हैं उन्हें आप कारखानों में काम नहीं कराएंगे, जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनसे। ठीक है, 24, 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता है कि आप मान लीजिए किसी भी धर्म के हो और आप किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। मतलब स्टेट जो है, राज्य है, देश जो है वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इस धर्म को मानिए। ठीक है, ये आपकी फ्रीडम है, आप चाहें तो। कि हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये नहीं, ये मतलब है कि ये राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्र किसी धर्म का सम्मान नहीं करता। राष्ट्र सभी धर्मों का सम्मान करता है, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष भी है और सभी धर्मों का सम्मान भी करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है जो संविधान निर्माण करने वाले थे उन्होंने इस चीज को हमारे संविधान के अंदर डाला। ठीक है, 25 हो गया। उसके अलावा 40 जो है आर्टिकल वो कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 है कि एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे। ये कहाँ पर है वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये गोवा के अंदर है। ठीक है, सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं तो कमेंट में लिखिए कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 ये है बालकों के लिए निःशुल्क मतलब शिक्षा प्रदान करेगा, है ना, कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए। उसके अलावा जो 48 है ये मैं बीच बीच में से इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, से 48 में कृषि एवं पशुपालन और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है 48A, ये बाद में जोड़ा गया था इसलिए आपको ये पर्यावरण का संरक्षण, मतलब हम जो भारत के नागरिक हैं उन सभी की जिम्मेदारी भी है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको, देखिए क्योंकि पॉलिटी पर मैंने काफ़ी वीडियो जो बनाए थे, एक मिनट मुझे लग, हाँ अब ठीक हो गया, तो मुझे लगा था थोड़ा सा इनफ नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा और देना चाहिए क्योंकि ये पॉलिटी ही, राज्यसभा ही पूरी एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर ही ये है, तो ये इससे पूछा बहुत ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, उसके अलावा मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये पहले मुझसे गलती भी हुई थी, 108 जो था वो ज्वाइंट सिटिंग को बोलता है, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, मैं थोड़े से पार्ट इसमें ज़्यादा बना देता हूँ, 108 हो गया ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, 110 जो है वो है धन विधेयक के बारे में, मनी बिल, धन विधेयक। ठीक है, उसके अलावा 123 जैसे बताया था कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश जिसे बोलते हैं, फिर है आर्टिकल नंबर 124, यह है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है आपका 148, ये है सीएजी से रिलेटेड, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यही वही खाते पूरे सरकार के रखता है कि कहाँ क्या धन आया क्या निकला, कहीं गड़बड़ी हुई। जैसे आपको पता हो कि जो 2G स्पेक्ट्रम वाला पहले ए राजा वाला जो घोटाला था जो आया था मीडिया में, उसमें सीएजी की रिपोर्ट के बाद ही आया था कि सीएजी ने रिपोर्ट में ये कहा था कि इतना सरकार को नुकसान हुआ है। ठीक है, अब तो उसमें शायद अभी हाल फिलहाल में कोई मामला उठ के आया था, और 153 जो है वो बताता है कि राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, राज्यों का राज्यपाल से रिलेटेड है। आपको पता होगा हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, और एक राज्यपाल जो है वो कई दो राज्यों का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, अतिरिक्त प्रभार जो है दिए जा सकता है, मगर ये राष्ट्रपति देता है उसे। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट 169, ये क्या बोलता है कि जो राज्य के अंदर जो अपर हाउस होता है जिसे बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, ये आर्टिकल ये बोलता है। क्योंकि देखिए राज्यसभा को कोई भंग नहीं किया सकता, मगर जो क्योंकि राज्यसभा भी अपर हाउस होता है, मगर जो स्टेट के अंदर अपर हाउस है वो स्टेट चाहे तो अपनी ज़रूरत के अनुसार बना सकता है और उसे हटवा सकता है, तो ये 169 के अंदर है। ठीक है दोस्तों, 213 ये है कि ये भी अध्यादेश ही है मगर ये राज्यपाल जारी करता है। आपको पता होगा कुछ पावर जो है राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह होती हैं, तो अध्यादेश जो है ये राज्यपाल का, राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा
और बताता हूँ मैं आपको जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है। हाँ आप ये वाला जरूर करिए, 239A, ये दिल्ली के लिए विशेष उपबंध है, इसके अंदर स्पेशल प्रोविजन दिल्ली के लिए। आपको पता होगा कि दिल्ली जो है यूटी है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर विधानसभा है, ठीक है। तो इसका कुछ जो शासन है दिल्ली के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास हैं। सिर्फ दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास जो है विधानसभा, एक पौंडीचेरी हो गई और एक दिल्ली हो गई, ठीक है। अदरवाइज बाकी जितने भी यूटी हैं वहाँ पर राज्य जो राज्यपाल होते हैं, यानी उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही वहाँ पर शासन करते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री वहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल, इसके अलावा हाँ मैं कुछ संशोधन बताता हूँ आपको जो समय समय पर हुए हैं। 73 अमेंडमेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 73। 73 क्या है? ये पंचायती सिस्टम से रिलेटेड है। पंचायती सिस्टम कौन सा ईयर? ईयर भी पूछा जाता है 1992, ठीक है। उसके अलावा ये मैं आगे पीछे बता रहा हूँ, ये जो 13वां जो हमारा संशोधन था ये हुआ था 1962 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था क्रिएशन ऑफ नागालैंड, क्रिएशन ऑफ नागालैंड, ठीक है। उसके अलावा आप ईयर जरूर याद कर लें, कौन सा स्टेट किस ईयर में बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आएगा। और एक है 69th अमेंडमेंट, ये है दिल्ली को एज एन NCR बनाया गया था, दिल्ली एज NCR, ठीक है। और इसे मिटा देता हूं मैं। इसके अलावा जो फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट अमेंडमेंट, हाँ फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या किया था, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको पता होगा कि हमारे पहले जो अनुसूची थी, जो अपेंडिक्स बोलते हैं, वो सिर्फ 8 थी, आज के समय में 12 हैं। तो जो पहला अमेंडमेंट किया था उससे नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये जो थी अनुसूची ये रिलेटेड टू थी लैंड टैक्स सिस्टम से, रिलेटेड टू लैंड टैक्स, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, 21वां संशोधन जो था उसमें क्या किया था, जो सिंधी भाषा है उसे ऐड किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज में, सिंधी भाषा को। अब आप बताइए कि इस समय कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। और 42 अमेंडमेंट और 44, इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। एक बात और बताता हूँ, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान, ठीक है। अगर पूछा जाए तो आप इसमें बताएंगे, इसी में ही फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो जोड़ी गई थी, ठीक है। और जो हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द हैं वो जोड़े गए थे, जिनका नाम है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो है 44 वाले में राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी था पहले वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, मगर उसे जो है फिर लीगल राइट बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए जो है पावर पैक था, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है रिवाइज करके जरूर जाएं। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, ये मैं आपसे ही इस पर प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी भी कई कैटेगरी हो जाती हैं, कई हो जाते हैं इसमें सीनियर स्टूडेंट, यानी कि जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो 1 साल हुआ है या 5-6 महीने हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये लोग जॉब पा लेते हैं, या कुछ होते हैं जो इसमें से भी जॉब नहीं पा पाते हैं, ठीक है। और इनकी तो स्टार्टिंग है ही, तो इनका ये हो रहा है कि इसीलिए अभी तक नहीं पा रहे हैं कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, या कुछ ना कुछ चीज़ की कमी रह रही है, जिस वजह से इनका 4 साल हो गया या 5 साल हो गया उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। और ये चीज़ इसलिए भी एड्रेस नहीं हो पा रही है आजकल, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर कोई बोलता है या कुछ भी बात बताता है तो वो पूरे एक ग्रुप के लिए लागू नहीं हो पाती, क्योंकि हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम अलग है ना। कोई स्टूडेंट है जो जॉब भी कर रहा है, साथ में प्राइवेट जॉब कर रहा है और फिर वो तैयारी कर रहा है, कुछ है जो गवर्नमेंट जॉब में मान लीजिए MTS है, मगर वो आगे की तैयारी कर रहा है कि मैं LDC बन जाऊँ कम से कम, या फिर
ग्रेजुएट लेवल का कोई एग्जाम निकालूं, तो एक बंदा ये है, एक प्राइवेट जॉब वाला है और एक हमारी गर्ल्स वाला स्टूडेंट हो गया, गर्ल्स वाला तबका, उसमें क्या है उनके ऊपर एक ये प्रेशर है कि उनकी शादी कराई जाएगी, ठीक है, कि जल्दी शादी होनी है, क्योंकि बेटियों का ये समझा जाता है कि अगर नहीं ज़्यादा आगे पढ़ाई हो गई, उनकी पीजी वगैरह हो गया, तो अब जो है आगे इनकी शादी कराइए। गवर्नमेंट जॉब के लिए जिस तरीके से लड़कों को थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है कि नहीं भाई वो 5 साल या 7 साल इतने तक तैयारी करता रहता है, मगर शायद गर्ल्स को हमारे समझ में इतना ज़्यादा अभी नहीं समय मिल पाता है कि आप तैयारी करते रहो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। कुछ परिवार हैं जो इस तरीके की लड़कियों को करते हैं, उन्हें फ्रीडम देते हैं कि आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, मगर ये तबका बहुत ही छोटा है, इतना बड़ा नहीं है कि जिसे हम कह सकें, ठीक है। तो यहाँ पर भी है, तो मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, वो आप मुझे उस पर प्रतिक्रिया बताएंगे कि कैसा है प्रोग्राम। प्रोग्राम ये है कि अभी जो है आपका जो प्री का एग्जाम है वो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम ऐसा करने वाले हैं कि चाहे वो स्काइप से हो, स्काइप हो, वो हम डिसाइड कर लेंगे किससे भी होना है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है मैं आप लोगों को इंडिविजुअली टाइम दूंगा, मतलब यानी कि मैं आपको उसमें 5 से 10 मिनट का एक तरीके की काउंसलिंग होगी, ठीक है, जिसमें हर बंदे की जो भी समस्या है कि मान लीजिए कि अभी नया तैयारी करने के लिए स्टार्ट हुआ है, या फिर वो 4-5 साल से तैयारी कर रहा है मगर उसको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर मुझे सिर्फ ऐसे लोग चाहिए दोस्तों जो कि मतलब सामान्य बुद्धि के हैं, ज़्यादा होशियार नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि होशियार लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, मगर जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमी चल रही है कि मान लीजिए वो लोग समाज से थोड़ा सा अलग हो गए हैं, कि लोग उन्हें देख रहे हैं कि ये तैयारी तो करता ही जा रहा है मगर इससे कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे जो इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्हें समाज ने एक तरीके से काट सा दिया है कि भाई 1 साल तक तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई तैयारी कर रहे हैं, मगर जब 2-3 साल निकल जाते हैं तो फिर वही लोग हमें टॉर्चर करने लगते हैं कि क्या हुआ भाई, तैयारी तो बहुत कर रहे थे मगर हुआ नहीं, तो मुझे ऐसे लोगों को एड्रेस करना है, क्योंकि देखिए चैनल अवेयरनेस फैला रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअल की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, आप अपनी जो भी बात है वो बता सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको कि कौन से एग्जाम की तरफ स्विच कर जाना चाहिए और अभी तक आपके अंदर मतलब उस एग्जाम को जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उसमें क्या कमियाँ रह रही हैं, तो इस चीज़ को एनालाइज करेंगे और मैं आपको सलाह दूंगा इस बारे में। तो इसमें जो मेरा टारगेट है वो ये है कि कम से कम मैं 10,000 लोगों की काउंसलिंग कर पाऊँ, कम से कम है ये इस साल के अंदर, फिर ये आगे हम और बढ़ाएंगे, तो कम से कम 10,000 लोगों की काउंसलिंग का मतलब ये है जिसमें मैं डेली कम से कम 5 स्टूडेंट को जो है समय दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने SSC के लिए तैयारी कर रहा था, CGL के लिए, ठीक है, लास्ट 2-3 साल से कर रहा था, उस समय मेरा आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा 24 जो TA की पोस्ट होती है 2400 ग्रेड पे वाली उस पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मगर क्या हुआ उसी सेम तैयारी से जब मैंने दूसरा पेपर दिया जो हमारा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसमें निकलती है रिव्यू ऑफिसर रजिस्टर्ड रैंक की ऑफिसर है, ये 48 ग्रेड पे की नौकरी है, जब मैंने ये वाला एग्जाम दिया तो मैंने ये क्वालिफाई कर लिया, सोचिए जो मैं 2400 के लिए ग्रेड पे वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था मैंने 48 का कर लिया, क्यों, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है कि किस तैयारी की तरफ स्विच करना है और वो जो है उनके लिए दूसरी उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने 10 से 12 एग्जाम दिए हैं और जो फेल होने का रिकॉर्ड है वो है लगभग शुरुआत के 30 एग्जाम जो मैंने दिए थे, क्योंकि आपको पता है पहले बैंक के भी अलग अलग होते थे, रेलवे हर डिपार्टमेंट अपने अलग अलग कराता था, तो लगभग 30 एग्जाम ऐसे रहे होंगे जिसमें मेरे को निराशा मिली थी, जिसमें मुझे पढ़ाई करने का तरीका ही नहीं पता था एक तरीके से, उसके बाद लगभग 10 से 12 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको पूरी तरीके से मिले तो यही हम करेंगे कि डेली कम से कम 5 स्टूडेंट की इंडिविजुअली आपको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। ये जो भी प्लान होगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, मगर अभी फिलहाल ये है कि आप ऐसे लोगों को कनेक्ट कीजिए, ठीक है, जिन लोगों को इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर होता क्या है जैसे कि जो नौकरी 18 साल की उम्र में लगनी चाहिए थी वो जाकर 25 साल की उम्र में लगती है, ठीक है, आपको यहाँ पर कितना 7 साल का घाटा हो जाता है, तो यही ऐसा ना हो तो इसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है वो शुरुआत से चलेगा। तो आप सभी अपने नए सब्सक्राइबर और पुराने सब्सक्राइबर सबसे यही चाहता हूँ कि आप इस जो हमारा अभियान है इसमें आप लोगों को जोड़ें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जिससे कि सबको इस चीज़ का लाभ मिल पाए, ठीक है दोस्तों। यही मेरी बात थी, यही आपको बताना था, और करंट अफेयर के आपके 2 रह गए हैं वो भी बहुत जल्दी मिलेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि उससे अच्छा समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।